नमस्कार दोस्तों, मेरा YouTube चैनल रेलवे मैकेनिकल इन्फो में आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है। तो हमारे दैनंदिन जीवन में डेली का इधर उधर जाने के लिए हो सकता टू व्हीलर, फोर व्हीलर और कुछ भी आप व्हीकल्स यूज करते हैं, मतलब व्हीकल्स चलने के लिए एक रोड का जरूरत होता है और रोड गवर्नमेंट ने देता है और व्हीकल्स का परमिशन RTI नहीं देते हैं। दोस्तों इस बात अगर इंडियन रेलवे पर आते हैं तो इंडियन रेलवे एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और इसमें कौन रास्ता देते हैं बनाते हैं और कौन गाड़ी देते हैं इसी के बाद में आज चर्चा होंगे। लेकिन इसमें से एक डिपार्टमेंट जो काम करता है कैरेज एंड वागन, इसी के बारे में आज चर्चा होंगे, उसका रोल क्या है इंडियन रेलवे में। तो चलिए दोस्तों, अभी तक अगर आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो मेरा YouTube चैनल रेलवे मैकेनिकल इन्फो को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक दीजिए, बेल आइकन ना दबाने भूलिए। तो चलिए आज चर्चा शुरू करते हैं CNW कैरेज एंड वागन का रोल इंडियन रेलवे में क्या मतलब रखते हैं, रेल कौन ने बना के देते हैं पटरी और रेल और डब्बा का साथ में क्या संपर्क है। देखिए दोस्तों, इंडियन रेलवे बोला जाता है, इंडियन ट्रेनवे बोला नहीं जाते हैं। तो मतलब इंडियन रेलवे मतलब रास्ता, मतलब रेल पटरी और ट्रेन मतलब उनके गाड़ी, जैसे आपका घर में टू व्हीलर फोर व्हीलर रोड में चलते हैं। तो मतलब इंडियन रेलवे में जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वो रेल पटरी बना के देते हैं और कैरेज एंड वागन, मतलब कैरेज का मतलब होता है सवारी डब्बा और वागन का मतलब होता है कि जो गुड्स डब्बा होता है जिसमें फैक्ट्री का सामान जाते हैं। तो ये हुआ CNW, आज इसी का चर्चा हो रहा है। दोस्तों अगर CNW गाड़ी नहीं देंगे तो कौन ट्रेन चलाएंगे और आप कहाँ चढ़ेंगे। तो मतलब आज का जो बात हो रहा है ये CNW का रोल क्या है इंडियन रेलवे में। तो रेल का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने पटरी दे दिया और CNW ने कोच दे दिया, तो इसका बाद में सवाल आते हैं कि इसको ऑपरेशन करने के लिए एक आपको ऑपरेटिंग होना चाहिए और ऑपरेटिंग होने के बाद में आप जब गाड़ी में चढ़ते हैं तो आपसे कुछ पैसा लिया जाता है, तो एक फाइनेंस डिपार्टमेंट होना चाहिए। तो इसी चलते हैं, तो तभी देखिए CNW का रोल आज इंडियन रेलवे में क्या है बता रहे हैं। पहला तो दोस्तों ये देखिए, कैरेज एंड वागन बोलने से ये एक मैकेनिकल डिपार्टमेंट होते हैं। ये डिपार्टमेंट जो व्हीकल्स देते हैं उसको मेंटेनेंस कैसी कैसी करके रखना है और कैसी करके मेंटेन करना है और कैसी करके रेल में पटरी में चलाना है, ये डिसीजन ये डिपार्टमेंट करते हैं। ये जो व्हीकल्स का मेंटेनेंस होता है ये दो तरीके से होता है, एक होता है रिलेटेड रहता है ओपन लाइन का साथ में और एक रिलेटेड रहता है वर्कशॉप का वर्क का साथ में। एक CNW का ओपन लाइन का जो काम होता है ये आपका जो रोलिंग स्टॉक है डेली जो यूज होता है जो व्हीकल्स, उसको ठीक ठाक से रखने के लिए इसको देखभाल करने पड़ता है। दूसरा जो है ये वर्कशॉप में से जो गाड़ी निकलते हैं उसका रोलिंग स्टॉक को ठीक ठाक से मेंटेन करना और उसका नियम का हिसाब में जो जहाँ जब काम करना है कोर्स रिपेयर करना है इसको मेंटेन करना होता है, तो अब फिर से इसको भेजने के लिए वर्कशॉप के लिए बीच में जो काम होता है ये उनको अच्छा से मेंटेन करना पड़ता है। तो दूसरा हो गया। दूसरा नंबर जो ओपन लाइन का काम होता है ये होता है आपका जो रनिंग ट्रेन होता है वो पंचुअलिटी से चलना चाहिए और ठीक टाइम से चलना, ये उनको देखना पड़ता है। दोस्तों ये आपके CNW ओपन लाइन का बारे में बात हो गया। अभी आते हैं वर्कशॉप में क्या काम होता है CNW का। चलिए वर्कशॉप का नंबर वन काम क्या होता है, जो रनिंग गाड़ी आपके ओपन लाइन चलाते हैं उसके बाद में जब आपको वर्कशॉप में भेजते हैं एक टाइम के बाद में, तो उसको पीरियोडिकल ओवरहाउलिंग ऑफ रोलिंग स्टॉक का काम करने पड़ता है। आप लोग जब गाड़ी में चढ़ते हैं ये नहीं है वो होना चाहिए या ऐसी कुछ बातें होते हैं तो उसको मॉडिफाई भी करने पड़ता है ये वर्कशॉप को। नंबर काम होते हैं जितना भी आपके व्हीकल्स का काम होता है उसका रिकॉर्ड पर्टिकुलर पूरा अच्छा से मेंटेन करना पड़ता है और ये रोलिंग स्टॉक का काम भी ठीक से देखना पड़ता है। मैंने पहले ही बताया कि जो गाड़ी हम लोगों का इंडियन रेलवे में चलाता है उसको मेंटेन करना पड़ता है, तो वही होता है रोलिंग स्टॉक। तो रोलिंग स्टॉक का फिर भी क्लासिफिकेशन है, अभी चलते हैं रोलिंग स्टॉक का क्लासिफिकेशन कैसी होता है। देखिए रोलिंग स्टॉक को तीन विभाग में भाग किया गया है, एक कोचिन, दूसरा फ्रेट
जिसको गुड्स बोला जाता है, और तीसरा नंबर होता है लोकोमोटिव। कैरेज का मतलब सवारी डब्बा, कोचिन मतलब है आपका कैरेज का साथ में जो भी जुड़े हुए हैं, जैसे कि कुछ ऐसी व्हीकल है जो कि अपना काम करता है, जैसे कि रेल कार होता है, इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट होता है, लगेज होता है, ब्रेक वैन होता है, ये सब होता है कोचिन का स्टॉक में। बाद में गुड्स स्टॉक में आते हैं। गुड्स का मतलब होता है कोचिन का बात छोड़कर बाकी जो भी सामान सब आपके कंपनी का और किसी का जाते हैं वो होता है गुड्स स्टॉक। इंडियन रेलवे में व्हीकल्स का बारे में जो बात होता है, व्हीकल्स होता है खाली कोचिन स्टॉक में। कोचिन स्टॉक को दो किस्म का व्हीकल्स में प्रोवाइड किया गया, होता है पैसेंजर कोचिन व्हीकल, दूसरा होता है आधार कोचिन व्हीकल। इसी भी का मतलब होता है जिसमें आदमी सवार होते हैं। हो सकता है व्हीकल्स पूरा पैसेंजर कैरिंग करेंगे या तो आधा पैसेंजर कैरिंग करेंगे और आधा पैसेंजर का सामान कैरिंग करेंगे। तो चलिए अभी आते हैं ओसीबी में, आधार कोचिन व्हीकल्स में। इसमें आपको सैलून भी रहेंगे, इंस्पेक्शन कार, मेडिकल कार, टूरिस्ट कार, पार्सल और हॉर्स वैन, कंपोजिट लगेज पावर कार हो सकता है, पेंट्री कार होगा, ब्रेक वैन होगा और ऐसी बहुत कुछ जाना जाता है जो कि ओसीबी के अंडर में गिरेंगे। सीएनडब्ल्यू का टाइप ऑफ कोचेस का बात करते हैं। ये टाइप ऑफ कोच होता है तीन किस्म का, ICF, LHB एंड हाई बीट कोच। तो ICF जो होता है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर चेन्नई से, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब से। इसके मैक्सिमम स्पीड होता है 110 km/h। जो होता है LHB कोचेस, ये होता है LHB बॉडी विथ फियर्ड बोगी लिंक हॉपमैन बूस जर्मन से, मैक्सिमम स्पीड होता है 160 km/h। नंबर जो हाईब्रिड कोच होता है ये होता है LHB बॉडी ऑन मॉडिफाइड ICF बोगी। अभी चलते हैं कुछ दुरंतो एक्सप्रेस, गरीब रथ एक्सप्रेस एक्सेट्रा। तो अभी तक आप लोगों को मैं कोचिंग का बारे में बोल रहा था, अभी आते हैं गुड्स ट्रेन का बारे में। गुड्स जो होता है ये 9 श्रेणी में भाग किया गया है। 9 टाइप का वागन होता है, ओपन वागन, कवर वागन, फ्लैट वागन, हॉपर वागन, वेल वागन, कंटेनर वागन, टैंक वागन, एक्सप्लोसिव वागन और ब्रेक वैन। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग समझ गया कि इंडियन रेलवे में कैरेज एंड वागन का क्या रोल है। दोस्तों इस तरीके से जाने आप लोगों की व्हीकल्स है तो तभी आपको ड्राइवर का जरूरत पड़ता है और गार्ड को जरूरत पड़ता है और इसका बाद में TTTC और भी दूसरा डिपार्टमेंट। तो चलिए इस तरीके से आप लोग CNW का वाइटल रोल क्या देख लिया है। तो इसके बाद में मैं दूसरा टॉपिक्स में आएंगे। तो अभी तक अगर मेरा वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक दीजिए और बेल आइकन ना दबाने भूलिए। तो चलिए अभी दूसरा टॉपिक्स में आएंगे, तो तब तक के लिए इंतज़ार करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।